एनडीए सरकार के जाने और महागठबंधन सरकार की एंट्री के बाद राबड़ी देवी आवास पर कार्यकर्ताओं की चहलकदमी बढ़ गई। तमाम आरजेडी कार्यकर्ता फूल बुके लेकर राबड़ी देवी के आवास पर तेजस्वी यादव का इंतजार कर रहे हैं। वहीं कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर कहा है कि इस बार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जरूर बन रहे हैं, लेकिन जल्द ही नीतीश कुमार सत्ता तेजस्वी यादव को सौंपेंगे, जिससे काफी खुशी का माहौल नजर आ रहा है। तो राबड़ी आवास पर आरजेडी कार्यकर्ताओं की भीड़ है, बुके और फूल लेकर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सभी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, साथ ही तेजस्वी यादव को बधाई दे रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से निर्णायक कदम लिया उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो जितने भी आरजेडी कार्यकर्ता हैं वो उनमें कहीं ना कहीं खुशी का जो माहौल है वो नज़र आ रहा है। कल से ही जो खुशियां हैं उनके तरफ से मनाई जा रही है और आज बुके और फूल लेकर कई सारे जो कार्यकर्ता हैं वो राबड़ी आवास के बाहर पहुंचे हैं और सब शुभकामनाएं देने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। साथ ही राष्ट्र तिलक की करो तैयारी आ रहे हैं, लालटेनधारी के नारे लगाए जा रहे हैं, तो राबड़ी आवास की रौनक बढ़ गई है। नीतीश केंद्र की राजनीति करेंगे, बिहार में सत्ता की चाबी अब आरजेडी के पास होगी। राबड़ी आवास पर आरजेडी कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है वो अहले सुबह से ही लगनी शुरू हो गई है। तेजस्वी राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव को फूल और बुके देकर कार्यकर्ता शुभकामनाएं दे रहे हैं। और राबड़ी आवास पर किस तरह की चहलकदमी नजर आ रही है, अवनीश हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं। अवनीश, किस तरह की चहलकदमी नजर आ रही है? आरजेडी कार्यकर्ता हालांकि काफी खुश है, बुके और फूल लेकर आ रहे हैं, किस तरह की फिलहाल जो तस्वीर है वो राबड़ी आवास पर नजर आ रही है? नहीं, बिल्कुल, देखिए राबड़ी आवास पर चहलकदमी बढ़ गई है और तमाम जो विधायक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है। देखिए थोड़ी देर पहले ही ललित यादव जो विधायक हैं अब वो पहुंचे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि उनका मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। उनके नामों की चर्चा काफ़ी ज़्यादा है, तो ललित यादव हो, आलोक मेहता हो, ये तमाम लोग जो हैं ये मंत्री पद की रेस में हैं। थोड़ी देर पहले ही वो कागजात के साथ वो पहुंचे हैं, राबड़ी देवी आवास पहुंचे हैं। और सबसे खास बात यह है कि देखिए 2017 के बाद एक बार फिर महागठबंधन की सरकार जो है वो बन रही है, तो ऐसी स्थिति में तमाम नेताओं में काफ़ी खुशी है, आरजेडी के कार्यकर्ताओं में खुशी है, आरजेडी के समर्थक काफ़ी उत्साहित हैं। और देखिए जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये राबड़ी देवी आवास की तस्वीर है और तमाम जो समर्थक हैं वो जो हैं फूल माला लेकर वो पहुँच रहे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता अंदर जाने की जुगाड़ में है बधाई देने के लिए, क्योंकि एक बार फिर महागठबंधन की सरकार आ गई, एनडीए की सरकार अबिहार से आउट हो गई, महागठबंधन की सरकार की एंट्री हुई है, तो ऐसी स्थिति में तमाम समर्थकों में भी इसको लेकर काफ़ी खुशी है। और सबसे खास बात यह है कि आज जो है दोपहर 2 बजे जो है शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया है राजभवन में, तो तमाम शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी तमाम लोग आए हैं। वे लोग जो खुशी व्यक्त कर रहे हैं, फूल बुके लेकर आ रहे हैं, मिठाई लेकर आ रहे हैं और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित होते। देखिए जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है, खासतौर पर महागठबंधन की सरकार बनने के बाद तमाम नेताओं में खुशी इस बात को लेकर भी है कि तमाम समर्थक ये बता भी रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ दिन बाद संभवतः ये हो सकता है कि नीतीश कुमार जो है वो केंद्र की राजनीति करें और तेजस्वी यादव को सत्ता जो है वो सौंपे, तो ये इसकी भी खुशी जरूर आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच में है। और तमाम समर्थक जो देखिए वो आ रहे हैं, बधाई देने आ रहे हैं। आप लोग आए हैं बधाई देने, कितनी खुशी है क्योंकि एक बार फिर महागठबंधन की सरकार बिहार में बन रही है? बहुत ज्यादा खुशी है। बिहार में हम लोग उम्मीद है कि बिहार विकास की लहर दौड़ेगी और बिहार के खास करके युवा लोग जो हैं जो बेरोजगार थे अब उन लोगों को 10 लाख नौकरी का आशा है और बिहार में पूरी रूप से शासन व्यवस्था और खास करके छात्र युवा जो अपने आप को असहज महसूस करते वो लोग अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम लोग को रोजगार मिलेगा तेजस्वी जी के नेतृत्व। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है और हम नेता उप मुख्यमंत्री जी को बधाई देने के लिए आए हैं और छात्र नौजवानों को खास के बहुत बड़ी आस है कि हम लोग को जो आस था स्वास्थ्य का, शिक्षा का और रोजगार का, यह हमारे नेता हर संभव कोशिश करेंगे कि हम लोग को हक और हकूक दिलाने का।
बिल्कुल तमाम जो समर्थक हैं, देखिए तमाम समर्थक जो हैं वो राबड़ी देवी आवास पर आए हैं और वो अपना अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि एक बार फिर बिहार में महागठबंधन की सरकार जो है वो बन रही है, तो इसकी भी खुशी है। और ख़ासतौर पर कार्यकर्ता इसलिए उत्साहित है क्योंकि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन रहे हैं, तो लगातार जो रोजगार का मामला था, जो 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात थी, उसको लेकर तमाम कार्यकर्ता जो है काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं। बिल्कुल, तो कार्यकर्ता जो है वो काफ़ी उत्साहित है और इसी वजह से राबड़ी आवास पर जितने भी कार्यकर्ता उनका तांता लगा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश तमाम तस्वीरों के लिए। हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे।